सो वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर टू बाई एक्स इज इक्वल टू ई क्यू। इफ दैट इज सो, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड लिमिट है। सो आप एक्स इज इक्वल टू जीरो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया तो आप देख सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म वन पावर इन्फिनिटी, वन प्लस जीरो पावर टू बाई जीरो। सो वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, सो मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स होल पावर वन बाई एक्स है तो द वैल्यू इज इक्वल टू ई। सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू ई। सो जो भी मुझे लिमिट दिया, आई ट्राई टू कन्वर्ट माई लिमिट इन टू दिस। सो इस लिमिट में क्या होना चाहिए ई आने के लिए, समथिंग शुड टेंड टू जीरो, यू शुड हैव वन प्लस समथिंग होल पावर वन बाई समथिंग। सो ऐसा है तो ई आ जाएगा। सो लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर कहा जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू जीरो बिकॉज यहां एक्स है यहां भी एक्स है। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स लिखता। सो ऑब्वियसली कैन सी दैट अगर एक्स जीरो पे जा रहे तो ए भी जीरो पे जा रहे। सो अगर इसी का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल मुझे ऊपर है तो देन द वैल्यू विल बी इक्वल टू ई। सो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है बट आई विल राइट दिस, वन बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स लिख लेता हूं। अगर वन बाय लिखा तो इंटू भी लिख लेता हूं, ए प्लस बी एक्स। नाउ आई हैव एफिटली नॉट रिटन एनीथिंग, दिस बाय दिस इज वन इंटू टू बाई एक्स जो पावर में है वो भी लिख लेता हूं, पावर टू बाई एक्स। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू ई एंड यहां एक्स और एक्स कैंसिल हो रहे। सो द वैल्यू ऑफ लिमिट इज ई पावर, आप देख सकते हैं यहां एक्स टेंडिंग टू जीरो, इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो बी डजेंट रियली मैटर, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ बी इज, बी एक्स इज ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो। सो द वैल्यू ऑफ लिमिट इज ई पावर टू ए एंड दिस इज गिवन एज ई पावर थ्री। दिस इंप्लाइज टू ए इज इक्वल टू थ्री, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू थ्री बाई टू। सो इफ दिस लिमिट हैज टू बी ई क्यू, ए हैज टू बी इक्वल टू थ्री बाई टू। सो बी क्या होना चाहिए, बी कुछ भी हो सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन बी। सो बी कुछ भी हो, द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज ऑलवेज ई क्यूब एज लॉन्ग एज ए इज इक्वल टू थ्री बाई टू। सो आपका कंडीशन इज ए इज इक्वल टू थ्री बाई टू, बी कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक, सो वॉट आर द पॉसिबल ऑप्शन हियर। सो ए इक्वल टू थ्री गलत है, ए इक्वल टू थ्री है तो ई पावर सिक्स आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू थ्री बाई टू, b is equal to half is okay, a equal to 3 by 2, b equal to 3 by 2 is also okay, a is equal to 3 by 2, b is equal to 0 is also okay. So options b, c and d are the right options. Thank you.